स्वतंत्रता दिवस के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य भी तेजी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम घोषणाएं की। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं भी घोषणा की। साथ ही कहा पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।